रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हबीब फार्मेसी। में आज आपको फिर से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह खुशाबाद रखे, आपकी तमाम बीमारियों को और परेशानियों को दूर करें। व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि हबीब फार्मेसी का काम है आपके लिए मज़ीद इंफॉर्मेशन लेकर आना और आपको मेडिसिन के बारे में आगाह करना, बताना कि इसके इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो आज भी हम बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि है कफ सिरप की सर हाइड्रिलियन सिरप। बहुत पुराना और बहुत जाना माना ये सिरप है, कफ का सिरप है ये हाइड्रिलियन सिरप। जैसे कि गले आ जाते हैं, गले में तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, खांसी आपको बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बलगम वाली खांसी हो रही होती है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये अमाइनो फाइलाइन प्लस कंपाउंड सिरप है ये हाइड्रिलियन सिरप। अमाइनो फाइलाइन PHR है इसमें, डिफाइन डरमाइन HCl BP, अम्यून क्लोराइड PH और मेंथोल इसमें शामिल है। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं सर कंपनी का ये है हाइड्रिलियन सिरप, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अगर आपको बहुत ज़बरदस्त बलगम वाली खांसी हो रही है और आपने बहुत सारे तजुर्बे कर लिए, बहुत सारी मेडिसिंस भी ले ली लेकिन आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो प्लीज़ हाइड्रिलियन सिरप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त ये सिरप है। और साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने जब इसका इस्तेमाल करना है तो नीम गर्म पानी के साथ करना है। अगर आप चाहें तो इसको नीम गर्म पानी में भी मिला के पी सकते हैं, क्योंकि ज़रा ये फ्लेवर इसका ज़रा थोड़ा गंदा सा होता है, मतलब मेंथोल होता है, तो कुछ लोगों को इसकी फ़्लेवर से वॉमिट आती है, फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो। लेकिन इफ़ेक्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है, असर बहुत जल्दी करता है, खांसी के लिए रिलीफ करता है कफ़ को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो उसको नीम गर्म पानी में भी मिला के पी सकते हैं। बालिग अफराद इसको दिन में जो है 3 मरतबा पी सकते हैं, 1 से 2 चाय के चम्मच, और जो बच्चे हैं उनको आप हाफ़ टी स्पून दे सकते हैं या टी स्पून दे सकते हैं दिन में 2 से 3 मरतबा। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है हाइड्रिलियन सिरप बहुत ज़बरदस्त है कफ़ के लिए। मैंने अभी आपको बताया गलों में दर्द, गले आ जाना, खांसी होना, बलगम वाली खांसी होना और रेशे वाली खांसी होना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, बहुत जल्दी सुकून पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। इसमें पूरी पीछे इंस्ट्रक्शन इसकी दी गई है, 5 to 10 ml वंस टीस्पून एवरी 4 से 5 आवर्स जो है एज़ इंडिकेटेड, चिल्ड्रन टू सिक्स एयर अप टू 2.5 ml 1.4, मतलब हाफ़ आपने जो है वो 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आपने हाफ़ टी स्पून लेना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया अडल्ट के लिए आपने 1 टीस्पून लेना है दिन में 4 से 6, मतलब घंटे बाद आप ले सकते हैं, 4 घंटे बाद आप ले सकते हैं, हर 4 घंटे बाद। तो 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आप 1 टीस्पून ले सकते हैं, और एवरी मतलब हर वही 4 से 6 घंटे बाद। इफ़ रिक्वायर्ड एंड एडिशनल एक्स्ट्रा डोज मे बी टेकन आफ्टर द 1st 2 आवर, यानी अगर आप डोज ले रहे हैं इसकी रिक्वायर के मुताबिक तो वो भी आपने दूसरी डोज जो है इसकी 2 घंटे से पहले एक्स्ट्रा डोज नहीं लेनी। तो जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको बताया सिरप है कफ़ के लिए, गले के लिए। आप इसको नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेके थोड़ी नींद भी आती है, गनूदगी भी आती है थोड़ी सी, आप गनूदगी में हो जाते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि वो हर कफ सिरप में होती है कि आपको उससे नींद आए। हर कफ सिरप, जो भी आप कफ सिरप पियेंगे तो उसमें आपको इसी तरह महसूस होगा कि आपको थोड़ी नींद आ रही है, तो परेशानी की बात नहीं है। बाकी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, और जब आप अगर ये ले रहे हो तो खट्टी ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, टेक केयर व्यूअर्स।